आगरा में घने कोहरे में थाना कागरौल क्षेत्र में बदमाशों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे दिया। आगरा जगनेर रोड पर लगा दो मंजिला मकान के नीचे भारतीय स्टेट बैंक का एटीएम को रविवार रात 3 बजे बदमाश उखाड़ ले गए। एटीएम में करीब 30 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। मकान के प्रथम तल पर रहने वाले मालिक रामनिवास रावत ने आहट होने पर शोर भी मचाया, लेकिन बदमाशों के हथियार बंद होने की आशंका के चलते वह बाहर नहीं आए। सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। तब तक बदमाश एटीएम उखाड़ने के बाद उसे गाड़ी में लादकर फरार हो चुके थे। एटीएम चोरी की सूचना पर आगरा पुलिस कमिश्नर प्रीतेंदर सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। वहीं लापरवाही होने पर थाना प्रभारी कागारौल को लाइन हाजिर कर दिया। आज दिनांक 8/1/24 को SBI ब्रांच कागारौल में चोरों द्वारा एटीएम चोरी करने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है। इस पे SBI बैंक के मैनेजर श्री अनिल कुमार पांडे द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने की रिपोर्ट भेजी गई है। इसके संबंध में थाना कागारौल पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। करीब 3:45 CCTV फुटेज से या अवलोकन से यह ज्ञात हो रहा कि 3:45 कुछ बदमाश आए हैं, जो उन्होंने ATM को तोड़कर अपनी पिकअप गाड़ी से लेकर चले गए हैं, जिसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फुटेज के आधार पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।